हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो लेट्स स्टार्ट टू दिस व्लॉग। आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं फ्लफी के साथ। फ्लफ, इतनी बदतमीजी। फ्लफ, ओए ओए ओए, नहीं 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 नहीं। अच्छा, तो आज हमें दराज से ही पार्सल रिसीव हुए हैं और इनकी क्वालिटी अच्छी है। ये देखें, ये लिपस्टिक्स हैं, मैंने अभी रेज कर दिया है, लेकिन मैंने अभी चेक किया था ना, तो ये अच्छा था। मिनी व्लॉग में मैंने इसका रिव्यू भी शेयर किया, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें इसका कलर और क्वालिटी भी अच्छी है। और ये हील पैड्स ऑर्डर किए थे, इनकी क्वालिटी तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये इतने सॉफ्ट है ना, इतने सॉफ्ट हैं, जितना मर्ज़ी इनको खींच लें। ये देखें, इतनी अच्छी इनकी क्वालिटी है। और ये मेकअप ब्रशेज ऑर्डर किए थे, मुझे लगा था कि ये बिल्कुल जो नकली वाले होते हैं ना, फेक, उस तरह के आएंगे, लेकिन ये अच्छे हैं। प्राइस के हिसाब से तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं। ये देखिए इनकी क्वालिटी। बस ये वाला एक ब्रश है जिसका ना ये नहीं सही, कहाँ गया वो। ये देखिए, थोड़ा सा इसमें बस फ़र्क है, बाकी सारे अच्छे हैं। कलर भी प्यारा है इनका, अच्छी क्वालिटी में है। मैं नीचे कर रही थी काम और फिर ये आई है और माशाल्लाह इतना प्यारा बोल रही थी मेरी प्रिंसेस कि फिर मैं इसके लिए खाने के लिए लेकर आई। और ये दोनों भूखे नदीदे, और इसने बस सूप पीना है, देखा ना, इसने सूप पे अटैक करना है पहले। हालांकि इसको खाने वाली चीज़ खानी चाहिए, वो ले गया। और ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है बॉल यखनी का, और गर्दनें इसी तरह पड़ी हैं। यखनी इसकी ख़त्म हो गई है, लेकिन फिर भी इसका सारा फोकस जो है ना, इसके उसी बॉल पे है। इसने खाने की तरफ ध्यान नहीं देना होता, इसने इसको जब मैं बॉयल देती हूँ ना, तो इसने सिर्फ सूप ही पीना होता है। मुझे बहुत गुस्सा आता है ऐसे इस पर। अब गई है, बस भाग जाओ, भाग जाओ, हाँ भाग जाओ, जंप। और अभी यहाँ बैठ गई है और यहीं बैठ के खा रही है। वैसे ये दीवार टप के चली जाती है यहाँ से ऊपर या फिर नीचे। और मैक्स ऐसे हसरत भरी निगाहों से देख रहा है जैसे इसको नसीब ही नहीं हुआ कुछ खाने के लिए। और अब ये यहाँ बैठ कर धूप सेक रहा है। अब पाँव ठीक हो गया आपका चिन्ने? चिन्ने, पाँव ठीक हो गया आपका? अल्लाह का शुक्र है, वैसे पहले से बेटर है। अब देखिए नीचे रख रहा है पाँव ना, पहले इसका बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था, पाँव नीचे भी नहीं रखा जाता। इंजेक्शन लगाया ना उससे इसको काफ़ी फ़र्क पड़ गया। ये जो हमारा बेबी है ना हना बना, इसको ना सबहत ने नज़र लगा दिया। कल सबहत कह रही थी कि हनी को ना मतलब छोटी मोटी बीमारियाँ ना कुछ नहीं कहती, जो भी बीमारियाँ इसको लगनी थी ना बचपन में लग गई हैं, अब हनी को कुछ भी नहीं होता और ये किसी बीमारी को ना सीरियस भी नहीं लेता। और आज सुबह से ही बेचारा इधर ही पड़ा हुआ है, सारा दिन इसने सो सो के गुजार दिया। सुबह का इसने बस वो ब्रेकफास्ट ही किया था, लंच कह रही हूँ, ब्रेकफास्ट ही किया था, उसके बाद से इधर ही पड़ा है और ये सोए जा रहा है बस। और ये कल परसों ऊपर गया था इसलिए गंदा होके आया। हनी हनी, पता नहीं क्या हो गया बेचारे को, सुस्त सुस्त लग रहा है बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि नींद पूरी करके ये एक्टिव हो जाए, क्या पता अपनी नींद पूरी कर रहा हो, ये भी नहीं हमें पता। लेकिन ये बाहर ही नहीं आ रहा, बस सोए जा रहा है, सोए जा रहा है हमारा छोटा सा काका। उठ जाओ बेबी, अस्तगफिरुल्लाह, इतना बड़ा मुंह खोलता कोई। तो अभी मैं लेकर आई हूँ हनी के लिए चिकन, और अभी मैं ये उसको देने लगी हूँ, देखते हैं वो खाता है या नहीं। चलो हनी, इधर आओ, जल्दी से आओ, जल्दी से काम करना है मैंने, जल्दी आओ, यहाँ पे आओ, इधर आओ, इधर मेरी जाए नमाज पे बैठा है। एक्चुअली मैं नमाज पढ़ने लगी थी, फिर मैंने सोचा पहले इसको खाने के लिए देती हूँ, क्योंकि अभी ये उठा है अपनी जगह से, सुबह से सो रहा था। इधर आओ ना, ये लो, ये देखो, जल्दी आओ, जल्दी से हनी। इसने यहीं पे रख के खाना है, ये बेड पे नहीं आया, ये कहता मुझे यहीं रख के दे दो। इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये बिल्कुल ठीक है, बस इसको ना थोड़ी सुस्तियाँ चढ़ गई हैं सर्दियों में ना। इसको भी सर्दियाँ नहीं पसंद और मुझे भी नहीं पसंद। हाँ, तुम तो हनी खाना भी चला गया है ना। नहीं जी, उसको सर्दियाँ अच्छी लगती हैं, बल्कि वो सुकून से नींदें पूरी करता है अपनी। जी नहीं, वो परेशान होता है, रात को चीखता फिरता बेचारा। चले जी, सर्दियाँ जिसको पसंद है, जिसको नहीं पसंद वो तो चले, अल्लाह के बनाए हुए मौसम है। बाय द वे, मुझे तो सर्दियाँ ही अच्छी लगती हैं, ये बात तो मैंने खैर पहले भी बताई है। तो इसी के साथ करते हैं आज का व्लॉग एंड, क्योंकि आज का व्लॉग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया है और आप लोगों ने मुझे कोई भी सजेशन नहीं दिया। जैसा कि मैंने आप सबसे पूछा था कि हमारा चैनल क्या डेड हो चुका है, तो वो कैसे ठीक होगा, तो काइंडली हमें इतना सपोर्ट कर दें कि हमारे डेली व्लॉग्स वॉच किया करें, ताकि उससे हमारा चैनल जो है वो जल्द से जल्द रनिंग पे आ जाए वंस अगेन।
क्योंकि पहले हमारे व्यूज़ अच्छे आते थे लेकिन अब व्यूज़ भी हमें शो नहीं हो रहे, तो कर लिए हमें थोड़ा सा सपोर्ट कर दें, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह ताला पे हमें यकीन है कि एक दिन हमारा टाइम भी आएगा जब हमारा चैनल इंशाल्लाह ग्रो कर जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और जो लोग चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।